एडवांस एक्सेल की, एडवांस एक्सेल क्लासेस में सबसे पहले जानते हैं कि बेसिक और एडवांस की कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर मुझे बेसिक एक्सेल आता है, मुझे एडवांस सीखना है, तो पहले जान लीजिए कि एडवांस एक्सेल कोई अलग चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल है कोई अलग सॉफ्टवेयर आपको देता है, या फिर कोई अलग ऑप्शन है कि सेग्रीगेट किया हुआ है कि हाँ ये ऑप्शन बेसिक है ये ऑप्शन एडवांस। माइक्रोसॉफ्ट किसी भी चीज के बारे में नहीं बोलता कि ये ऑप्शन बेसिक है और ये ऑप्शन एडवांस है। देखिए उसका जो यूज है ना, वो यूज में हमें बताता है कौन सा बेसिक है और कौन सा एडवांस है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देते हैं कि बेसिक एडवांस होता क्या है उसके ऊपर, ठीक है? सिंपल यस सा, सर। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने 30 टाइप किया। अगर मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करता हूं तो 30 हमारा 20 से रिप्लेस हो जाता है। अगर इसी में मैं पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करूं, और पेस्ट स्पेशल में अगर मान लीजिए हम यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, राइट हाँ सर? जी, वैल्यू हाँ जी, पेस्ट होता है, या ऑपरेशंस में जाते हैं, ऑपरेशंस में ऐड सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अब जो होगा कॉपी पेस्ट नहीं होगा। जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है उनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, जो रिजल्ट है वो पेस्ट होगा। जैसे कि 20 + 30 50 यहाँ पे आए। अगर इसमें मान लीजिए पेस्ट स्पेशल में मैंने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, तब क्या होगा? अब दो मल्टीप्लाई कर देगा 20-30 को। होगी और 1000 यहाँ पेस्ट होगा। आपने अभी भी समझा कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, राइट? यस सर। अब इसको बेसिक एक्सेल आप कह सकते हैं कि बेसिक, लेकिन टॉपिक को जब मैं अपने कोर्स में कराऊंगा तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सबसे पहले कुछ चीजें बताएंगे। जैसे कि परसेंटेज अगर आपको टाइप करना हो तो कैसे करेंगे, तो एक्सेल में अगर परसेंटेज लिखना हो तो 10 और फिर परसेंट का सिंबल टाइप करेंगे तो 10% आ जाएगा। लेकिन आपने 10 को टाइप कर दिया और इसके ऊपर अगर किया तो ये 1000 हो जाता है परसेंटेज, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100%। तो अगर मुझे बाद में परसेंटेज लगानी है तो मुझे यहां पे 0% 10, ठीक है? यस सर। इसके ऊपर हमें परसेंट का सिंबल लगाना है। ठीक है, हाँ जी। हो गया 10%। अब यही पे प्रॉब्लम होती थी, हमारे एक कलिक थे मुझे एक डेटा भेजते, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो मेरे पास एक कलीग थे मुझे एक डेटा भेजते थे, वो रैन बिटवीन का इस तरह से फॉर्मूला मुझे लगा के और मुझे भेजते थे, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, राइट? अब मेरे कलीग ने भेजा कि 30 जो है 30% है, बट एक्चुअली ने 30 टाइप करके भेजा। अब होगा क्या कि मुझे अगर 500 का
30% निकालना है। अगर 30% अगर परसेंट में हुआ तो हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे कि 500 मल्टीप्लाई बाई 30% तो रिजल्ट 150 आ जाए। बट 30 इन द नंबर हुआ तब क्या होगा सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई जस्ट करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, मुझे सही रिजल्ट के लिए फॉर्मूला चेंज करना होगा, इसमें डिवाइड बाय 100 करना होगा तब रिजल्ट आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब यही प्रॉब्लम होती थी कि अब इसको मुझे अपने डेटाबेस में यूज करना है। ठीक है सर, अब मुझे मेरे पास दो च्वाइसेज है, एक तो मैं एक एक करके परसेंटेज लगा दूं इस तरह से, लेकिन अगर ये चलो 10-20-50 डेटा है तो आप कर लो, लेकिन यही अगर 1,000-2,000-10,000 हुआ तो मुश्किल है ना सर। तो यहाँ पे हम 100 को टाइप करेंगे एक सेल पे अलग, उस 100 को कॉपी करेंगे, और जो हमने C1 में जो मेथड बताई है सेम मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, और यहाँ इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम सेलेक्ट करके करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा हर एक नंबर, फिर ये परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज हो गया। ठीक है सर, हाँ सर, ये डायरेक्ट वैसे नहीं हो सकता सर? नहीं, ऐसे कैसे, जैसे कि देखिए होता है क्या है कि जो पर, ये जो नम, आपको क्या बोला है कि अगर आप 1 लिखते हैं ना तो सिस्टम में 100% होता है, तो अगर मैं जैसे कि अगर आपको मैं बताता हूँ, आपको अगर 1% लिखना है तो 1 और परसेंट का सिंबल देंगे तो 1% हो जाए, लेकिन आप चाहते बाद में देना तो 0.01 टाइप करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ सर, जैसे कि सेल को सिलेक्ट किया और जो पर्सन स्टाइल है इसमें नंबर इसमें टैब में, और मैं इसको कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली जो भी टॉपिक डालते हैं उसमें परसेंट सिंबल बन जाता है। आपका डेसिमल में होता है ना, अब इस पे आप परसेंट सिंबल पे क्लिक करेंगे तो 3000% हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ, अगर ए 0.30 होता फिर परसेंटेज करते तो 30% आता, समझे? हाँ सर, इसी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड होने के बाद सारे डेसिमल में आ गए, अब यहां से परसेंटेज असेंबल क्लिक कीजिए, परसेंटेज हो जाएगा। समझ गए? यस सर। तो अब ये देखिए कि सेम फीचर्स को मैंने यहां बताया और इसी फीचर्स को हमने आपको यहां बताया, तो इसमें हमने प्रॉब्लम को क्रिएट किया, हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, राइट? फिर उसका एक इजी सॉल्यूशन दिया। अब ये प्रॉब्लम आपको हमेशा याद रहेगी, बट ए वाली प्रॉब्लम याद नहीं रहेगी। क्लियर है सर? यस सर। तो हमारे क्लासेस में आपको इसी तरह के प्रॉब्लम बताए जाए। अब पढ़ाने का जो तरीका होगा वो समझ लीजिए, हम मेनू के हिसाब से शुरू करेंगे, ठीक है, फाइल होम इंसर्ट, और मेरा कोशिश रहेगा कि एक एक टॉपिक को कवर करना, लेकिन फॉर्मुलेज में मैं आपको 300 से ज्यादा फॉर्मूले कराऊंगा। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं सारा फॉर्मूला कराऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले में बहुत सारे फॉर्मूले मैथमेटिकल से है, अब मान लीजिए कॉस थीटा साइन थीटा सीखे क्या कीजिए, बहुत सारे फंक्शन है जिसके पीछे बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स है, जैसे फाइनेंशियल फॉर्मूला में आपको फाइनेंस बैकग्राउंड होगा, अब डिफरेंशिएशन निकालना है, अब डिफरेंशिएशन पता होगा तभी ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन के सात फॉर्मूला है इसमें, अब सातों पता होगा तो तरीका तब ना। यस सर, इसलिए इस फॉर्मूले हम छोड़ देते हैं। फिर भी आपको लगा कि हाँ मुझे कुछ फॉर्मूले जरूरत है तो मुझे लिस्ट दीजिएगा, हम आपको सिखा देंगे। ओके सर, ठीक है। एक सर जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें टैली का कोर्स है एक, जी हाँ, तो उसको वो सारी उसमें चीजें मिलेंगी टैली वाले में, या फिर कुछ बता देता हूँ आपको कि आप जो है मेरी एप्लीकेशन को वेब पे भी यूज कर सकते हैं, app.iptindia.com पे। यस सर, यहाँ मोबाइल नंबर से आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है, अब इसके स्टोर में जाते हैं, और पहले बता दो जो टैली की कोर्स, इसमें जो कोर्सेज है कुछ मेरे हैं और कुछ और ट्रेनर के,
तो स्टोर टाइम में मेरे कोर्सेज आपको दिखे। क्यों, मेरे को टैली भी करना था सर, तो मैंने उसमें चेक किया तो आपकी, तो मन का एक बार सर से कंफर्म कर लूं तो ज्यादा अच्छा इसमें रहेगा जो ये। ये आपका ऑफिस या एक टैली का अलग कोर्स है और एक एमएस ऑफिस विद टैली का है, ठीक है। इसमें अगर आप अच्छा टैली का कोर्स इसमें लेते हैं तो मैं पहले बता दूं कि बेसिक टू इंटरमीडिएट, एडवांस के उस ज्यादा फीचर्स इसमें नहीं है, और ये मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है, एक जो रिकॉर्डिंग है और निकिता मैम की रिकॉर्डिंग है, मेरी नहीं है, हाँ जी, ठीक है। इसलिए इसकी प्राइसिंग मैंने बहुत कम रखी हुई है, इसीलिए आप देखेंगे सबसे कम तो प्राइसिंग इसी की। हाँ, तो सर इसमें मतलब कि मैं यही पूछ रहा हूँ कि सारे टॉपिक कवर रहेंगे या फिर हाँ, कुछ ही टैली के टॉपिक है। सारे टॉपिक कवर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बेसिक है एडवांस है। हाँ, एक टैली मैंने कि आप सीखने के लिए अच्छा है सर, क्यों, मैं तो सीख टैली के आप काम ईआरपी कर ही सकते हैं, बताता ऐसा हूँ नहीं कि बच्चों जीरो को। नहीं हाँ रहेंगे, सीख के काम कर जी, सकते हैं, ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। तो अब कोर्स के बारे में बात करें, मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरा कोर्स आपने देखा होगा, iptindia.com हाँ जी, पे। तो जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कोर्स डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, यही करना है ना आपको सर। यस सर, एडवांस एक्सेल फॉर्मूला पे जाते हैं तो एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है जिसको आप 35 से 45 घंटे में कवर होगा। मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लासेस होगी और इसकी फीस पड़ेगी 75 रुपये। इसकी पीडीएफ हाँ जी, डाउनलोड करेंगे तो कंप्लीट कोर्स डिटेल्स मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिटेल्स में देखा रखा है कि इसमें मोस्टली चीज कवर है। इसमें रीज्वाइनिंग फ्री है, यहाँ पे देखिए क्लास के वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल और फ्री रीज्वाइन, मतलब इन हाँ फ्यूचर जी, में ओके कभी भी आप कोर्स रीज्वाइन करना चाहे तो रीज्वाइन कर सकते हो। सर। इसके लिए आपको ये बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, जैसे